वेडिंग सीजन आ चुका है, बहुत सारी शादी अटेंड करनी है, कंफ्यूज अबाउट योर मेकअप लुक और मेकअप प्रोडक्ट्स, तो आई एम गोइंग टू शेयर दिस ऑल बजट फ्रेंडली मेकअप प्रोडक्ट्स प्लस दिस ब्यूटीफुल लुक फॉर अटेंडिंग अ वेडिंग वेडिंग गेस्ट मेकअप। सो प्लीज ये वीडियो लास्ट तक देखिए। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। My name is Anushri. In this channel, I used to upload videos related to makeup, lifestyle, fashion, DIYs, vlogs, and many more. So, if you are interested in all this, so please don't forget to subscribe. Press that bell icon so you will always notified. And doing all this is completely free. चलिए अभी हम लोग इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। I'm going to share this very beautiful makeup with you. जो सारे different different type के outfit के साथ जाने वाला है आपके, साथ ही साथ जो प्रोडक्ट्स अप्लाई किए हैं वो बहुत ही बजट फ्रेंडली है। मीन सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है 500 का, तो सारे प्रोडक्ट उसके नीचे ही है, तो बहुत ही बजट फ्रेंडली भी ये वीडियो होने वाला है। और साथ ही साथ जिनको भी ऐसा लगता है कि मेकअप क्रिएट करना या मेकओवर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो उनके लिए एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली भी ये वीडियो होने वाला है, इसलिए प्लीज स्टिक अराउंड टिल द एंड। नाउ विदाउट डूइंग फर्दर, लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं मेरे फेस पे ये गुड वाइब्स का 24 कैरेट गोल्ड फेस सीरम लगाऊंगी और बहुत अच्छे से मसाज करूंगी, बिकॉज विंटर्स आर हियर एंड वी हैव टू मॉइस्चराइज अवर स्किन वेरी नाइसली एंड वेरी prominently, you can see. After that, I am going to use this primer from NY Bay. जहाँ जहाँ मेरे open pores है, जहाँ जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा dryness feel होता है, वहाँ मैं apply करने वाली हूँ. And then I am using this Maybelline Fit Me Foundation in shade 228. And after that, मैं finger की help से इसे अच्छे से spread कर दूँगी और फिर beauty blender की help से blend कर दूँगी. फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करने के बाद आप ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करोगे तो बहुत ही फ्लॉलेस फिनिश आएगा। उसके बाद ये Maybelline Fit Me का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ इन शेड मीडियम। अंडर आई पे मैं अप्लाई करूँगी, अपर आई लिड्स पे अप्लाई करूँगी और फिर लिप्स के भी साइड में और टिप ऑफ माय नोज आल्सो, और फिर मैं फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी बिकॉज आई फील इट्स ब्लेंड्स वेरी नाइसली। एंड या दैट्स इट। नाउ मैं इसे सेट करूँगी। कंसीलर को सेट करने के लिए मैं ब्लू हेवन का ट्रांसलूसेंट पाउडर अप्लाई कर रही हूँ और अंडर आई एरिया पे ना थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज मैं आई मेकअप अभी करूँगी तो जो फॉल आउट हो वो डस्ट ऑफ हो सके। नाउ आई एम गोइंग टू फिल माई आई ब्राउज विद दिस पैलेट, और इसमें से ये जो ब्लैक कलर है ये ग्रे कलर में टर्न आउट होता है। एंड या सेम फॉर अनादर, एंड आई एम डन विद माई आई ब्राउज। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई माय आई शेडोज। उसके लिए मैं ये रिवॉल्यूशन का रीलोडेड डिवीजन आई शेडो पैलेट यूज़ करूँगी एंड टेकिंग दिस ऑरेंज पीच शेड और फिर पूरे ट्रांजिशन एरिया पे अच्छे से ब्लेंड कर दूँ। एंड देन मैं ये ब्राउन कलर लूँगी और मेरे कट क्रीज लाइन पर प्रेस करूँगी कुछ इस तरह से विंग ड्रॉ करते हुए और कलर को थोड़ा डेंस कर दूँगी ताकि ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट दे। इसके बाद मैं मेरे क्रीज को कंसीलर से कट क्रीज वाला इफेक्ट दे दूंगी और फिर अच्छे से इसे फिल कर दूंगी और ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूंगी ताकि बहुत ही हार्श और चेपी चेपी ना लगे। उसके बाद में जो एजेस है उसे फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करके स्किन में डिजॉल्व होने दूंगी। एंड आप देख सकते हो कितना अच्छा शेप आ चुका है। एंड देन एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से जो रिवॉल्यूशन का पैलेट है उसमें से ये व्हाइटिश एकदम शिमरी शेड लूँगी, थिक शिमर से, इसलिए आप ग्लिटर कह सकते हो, बट नॉट इनफ हियर। वी आर गोइंग टू ऐड मोर ग्लिटर्स ऑन अवर आईज। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का आई शेडो, जो ग्लिटर आई शेडोज होते हैं। एंड आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल टर्न आउट हुआ है। नाउ ये जो हमने थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट पाउडर अप्लाई किया था वो मैं डस्ट ऑफ कर दूँगी यूजिंग दिस स्टेक वर्की का ब्लैक वाला लाइनर और बहुत ही सुंदर सा एक छोटा सा विंग क्रिएट कर दूंगी। नाउ फॉर माय लोअर लैश लाइन आई एम गोइंग टू ऐड दैट पीची ऑरेंज शेड फर्स्ट और उसके बाद ब्राउन कलर वाला शेड लूंगी और अच्छे से स्मोक आउट कर दूंगी। मेरे आईज को बहुत अच्छा डेफिनेशन मिलेगा ये स्टेप करने के बाद, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू अप्लाई एनीथिंग ऑन योर लोअर लैश लाइन। एंड आफ्टर दैट आई एम यूजिंग दिस Maybelline Colossiful Mascara, जो मैं लोअर लाइन पे बहुत ज़्यादा अप्लाई करूँगी एंड अपर पे भी। और फिर मैं ये सिवाना का ब्लश पैलेट यूज़ करी और बहुत ही ऑरेंज पीच शेड अपने चिक्स पे अप्लाई करूँगी एंड देन कॉन्टोरिंग माई फेस विद दैट सेम कॉन्टोर शेड जो मैं इसे पैलेट में अवेलेबल मिला है। और इसके बाद मैं मेरे
फेस पे ये सेटिंग स्प्रे अप्लाई करूँगी। इसके बाद जब मैं हाइलाइटर अप्लाई करूँगी तो बहुत ही प्यारी तरह से ये पॉपअप हो जाएगा। दैट्स वाई मैंने हाइलाइटर को बाद में अप्लाई किया और सेटिंग स्प्रे को पहले, और हर पॉइंट पे मैं अप्लाई करूँगी जहाँ मुझे हाईलाइट करना है मेरा फेस। एंड देन आई एम यूजिंग दिस वेरी ब्यूटिफुल शुगर की रेड लिपस्टिक एंड आई एम जस्ट अप्लाइंग ऑन माई लिप्स एंड दैट्स इट। आई एम डन विथ माई मेकअप, आई एम क्विकली गोइंग एंड हैविंग सम ज्वेलरी, इंडियन ज्वेलरी, एंड रेडी फॉर एन इंडियन वेडिंग गाइस। आई होप कि मैं बहुत सुंदर लग रही होगी आपको और आपको ये मेकओवर पसंद आया होगा, साथ ही साथ प्रोडक्ट्स का नॉलेज भी आ गया होगा जो 500 के नीचे है और बिगिनर फ्रेंडली आपको लगा या नहीं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि मैंने बहुत ही डीपली बताने की कोशिश की है इस वीडियो में। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, वी विल मीट ऑन अनदर न्यू वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून, टेक केयर सेल्फ एंड आई विल मीट यू सून, बाय एंड हैप्पी वेडिंग्स।